हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन करेंगे। दो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये 2x² है, ये बराबर 2 हम रूल लिखेंगे। डी फोर ए सी बी है, ए का मान 2, सी का मान 7, और हमें 49 माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, अभी आ जाएगा 24। डी बराबर 25। अब डी बड़ा है, बड़ा है 0 से, डी बड़ा है 0 से, तो आगे हम करेंगे। डी बड़ा है 0 से तो हम करेंगे आगे सूत्र, दूसरा सूत्र लिखेंगे। दो ए, ये हमारा सूत्र है, ये बहुत ही 4.3 एक्सरसाइज है। ये 7 बी की माने, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस के भी, सॉरी मैं इसको शुरू से लिखता हूँ इस वाले को। प्लस बी का मान 7 है, यहाँ पे प्लस लगाओ या मत लगाओ। डी का मान 0, 25, एक्स बराबर 7, 2 × 2, 25 का वर्ग 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हम निकालेंगे इसका प्लस चिन्ह लेके माइनस चिन्ह लेके, प्लस चिन्ह लेने पर तो एक्स 7 प्लस 5 बराबर 4, एक्स 12 बटे, तो कर जाएगा ये 3 से, तो एक्स 3 माइनस चिन्ह लेने पर, पहले हमने प्लस का लिया, अब माइनस का लेंगे, तो एक्स 7 माइनस 5 बटे 4, एक्स बराबर 2 बटे 4, ये कट जाएगा 1 से 2 से 1 बटे 2, तो हम लिखेंगे अतः 3 1/2। ये हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है 2x² प्लस के एक्स माइनस के 4x 4 बराबर 0। तो अब हम इसको हल करेंगे। ए बी, यहाँ x है तो x की जगह पे हम 1 लिख लेंगे, सी माइनस के 4, तो हमें वही रूल लगाना है जो हमने यहाँ पे लगाया था, ये वाला, यही रूल हमें यहाँ लिखना है। डी बी स्क्वायर 4, डी बी का मान 1 है, क्वेश्चन में ले आएंगे 4 × 1 का है 2, सी का है माइनस के 4, डी 1 1, ये कर लेंगे हम तो आ जाएगा 1 मिनट हमें, तो हाँ फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा 32 लिख लिया, तो डी बराबर माइनस के 31 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डी बड़ा है 0 से,
तो डी माइनस का आ रहा है तो हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको ऐसा नहीं करेंगे जैसे हमने ये वाला रूल लगा के किया है इसमें, हम ऐसा यहाँ नहीं करेंगे। अब हम तीसरा सवाल करते हैं। हमारा तीसरा सवाल है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो आइए इसको हल करते हैं। a का है 4, b का है 4√3, c का है 3। तो हमें यही रूल लेना है, डी बराबर b² - 4ac और d² = 4√3। इसे रूट में ले लेते हैं, 4 × 4 × अब है c का 3, डी इसका 48 आ जाएगा, 48 − 48 तो d का 0 आ जाएगा, तो डी बड़ा है 0 से डी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x = -b + 1√d, तो 2 के x 4√3 + d का मान कितना था 0, तो हम यहाँ 0 ही लिखेंगे, 2 × 2। आइए हम यहाँ कर लेते हैं, जगह नहीं है, हम यहाँ कर लेते हैं, तो x − 4√3 × 2 × यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि a का मान 4 है, यहाँ पे × 4, तो ये 4 से कट जाएगा, यहाँ आएगा x√3 = 2, यही आपका आंसर है। हम अब करेंगे 4, आपका ये है 2x² + x + हल। तो a 2b x का मान 1 आ जाएगा, c 4, तो यही रूल लेंगे हम जो हमने पीछे लिया था, रूल है इसका d b² + 4ac, d b का मान है 1, 4 × 2 × c का मान है 4, d 1 32 माइनस के 31 आएगा इसका, तो d बड़ा है 0 से, आपका यही आंसर। हमारी प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, हम अगली वीडियो भी भेजेंगे, कमेंट भी करना, लाइक भी करना, और हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। नमस्कार।